रसूल जो दुनिया पर तशरीफ लेकर के आए, आने के बाद में ना यहाँ अपने अजीज को याद किया, ना अपने रिश्तेदारों को, ना अपने परिवार वालों को, ना तो अपने घर वालों को, ना तो अपने दोस्तों को, ना तो अपने अहबाब को, ना तो अपने खानदान वालों को याद किया। दुनिया पर तशरीफ लेकर के आए तो सबसे पहले हम गुनहगारों को याद किया है। और इसी को शायर ने कहा है, जिसको हर एक इंसान पढ़ा करता है, सबके जबान के ऊपर बासानी जारी हो जाया करता है। पुकार करके इंसान कहा करता है रब्बे, पुकार करके इंसान कहा करता है ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। यानी कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में सब कुछ है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस दुनिया के ऊपर आपको कोई परेशान करे तो वो परेशानी कुछ भी नहीं है, आपको अगर कोई मारे, कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है तो वो भी कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिल के अंदर रसूल का इश्क है और उस इश्क को रसूल ने कबूल कर लिया है तो समझ लो कि आपकी किस्मत चमक गई है, समझ लेना कि आप कामयाब हो गए हैं। कामयाब इंसान वो नहीं हो सकता है जो इंसान मालदार हो जाए, कामयाब इंसान वो भी नहीं हो सकता है जिसके पास में बंगला हो, गाड़ी हो, जिसके पास में तमाम जमीन हो, वो कामयाब इंसान नहीं हो सकता है। कामयाब इंसान वही हुआ करता है जो दुनिया में आया हो तो जब तलक करके रहा हो तो वो दीन इस्लाम पर रहा हो, और दुनिया से जा रहा हो तो वो उसका खात्मा ईमान पर हुआ हो, वही इंसान कामयाब वाला कामयाब हुआ करता है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों को आखिरत के मंसर को याद करो, वहाँ सिर्फ हिसाब होगा, वहाँ सिर्फ इंसाफ ही इंसाफ होगा। वत्तकु यौमन तुर्जऊन फीहि इलल्लाह, अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें रब के सामने हासिल होना होगा। वत्तकु यौमन तुर्जऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तौफा कुल्लु नफ्सिन ला युज़लमून, रब फरमा रहा है डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें रब के बारगाह में हासिल होना होगा और वहाँ हर एक इंसान की भरपाई दे दी जाएगी, किसी के ऊपर जुल्म ना होगा। जो आपने इस दुनिया के ऊपर किया होगा, जो आपने परेशानी उठाई होगी, जो आपने नेकियां कमाई होंगी, जो आपने गुनाह कमाए होंगे, जो आपने जो कुछ भी किया होगा वो आखिरत में रब फरमा रहा है वो सारा का सारा तुम्हारे सामने आ जाएगा, वहां किसी के ऊपर भी जुल्म ना होगा, किसी के ऊपर भी जुल्म ना होगा। आखिरत का मंजर बड़ा ही खतरनाक है, आप आखिरत के मंजर को अपने जहन के अंदर रखिए और सोचिए कि इस दुनिया के ऊपर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं, कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं जो आखिरत का मुकाबला कर सके, कोई भी ऐसी नहीं है जो आखिरत का मुकाबला कर सके। हाँ दोस्तों, आखिरत का जो दिन भी होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का दिन होगा जिसमें 25,000 साल तक की कोई हिसाब किताब ना होगा, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। अब 50,000 साल का दिन होगा, अब कुछ लोगों का वो दिन तो मिनटों में गुजर जाएगा, कुछ लोगों का दिन तो इस तरीके से गुजरेगा जिस तरीके से पलक झपका करते हैं, इस तरीके से वो दिन गुजर जाएगा। आपने सुना होगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की बात है, जब अल्लाह का कहर आने वाला था, जब आप कश्ती तैयार कर रहे थे तो एक बूढ़ी औरत आती है, आने के बाद में कहती है ऐ नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती तैयार हो जाए मुझे खबर दे देना, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ बूढ़ी भी, आप बूढ़ी हैं, आप कमजोर हैं, आप अपने घर के ऊपर रहें, जब वक्त हो जाएगा तैयार कश्ती हो जाएगी, जब खुदा का कहर आने वाला होगा मैं आपको इतला कर दूंगा या आपको बुलवा लूंगा, आप तशरीफ लेकर के चली आना। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम उससे वादा करते हैं, वो औरत अपने घर को गई और घर जाने के बाद खुदा की इबादत में मशरूफ हो जाती है, खुदा की बारगाह में सर्वा सुजूद हो जाती है। इधर कश्ती तैयार हुई, लेकिन किसी जब कश्ती तैयार हो जाती है, कश्ती तैयार होने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने सभी लोगों को जमा कर लिया, सभी लोग कश्ती के ऊपर सवार हो जाते हैं। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के जहन से इस बात को भुला दिया, इस बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन से उतरवा दिया कि मैंने एक बूढ़ी औरत से वादा किया है कि
जब कश्ती तैयार हो जाएगी मैं तुझे बुला लूंगा, तू मेरे पास में आ जाना, तुझे भी कश्ती के ऊपर सवार कर लूंगा। लेकिन अल्लाह ने जब ये बात को भुलवा दिया, कहरे खुदा आता है, इतना पानी आता है, इतना पानी आता है कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। पूरी दुनिया गर्क हो जाती है, कोई भी बाकी नहीं रहता है, सिर्फ उन लोगों को छोड़ करके जो कश्ती के ऊपर सवार थे, उनको छोड़ करके कोई बाकी नहीं रहता है। आखिरकार वक्त गुजरता रहता है, जब वो टाइम आया, जब वो वक्त आता है, जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जुदी पहाड़ से जाकर के टकराती है, अल्लाह का कहर खत्म होता है। नूह अलैहिस्सलाम एक मरतबा टहलते टहलते जब अपनी उस जगह के ऊपर पहुंचे जहां के ऊपर आप कश्ती को तैयार कर रहे थे, फौरन आपको बात याद आ जाती है, यार मैंने एक औरत से वादा किया था कि जब खुदा का कहर आएगा तो मैं तुझे बुलवा लूंगा या मैं तुझे लेने के लिए खुद आ जाऊंगा। लेकिन खुदा का कहर भी आकर के खत्म हो गया है, अब वो औरत कहां होगी, अब औरत कहां होगी, अब वो उस औरत को खुदा के कहर ने समेट लिया होगा, अब वो खुदा के कहर में गर्क हो गई होगी। चलो चल करके उसके घर ही पे चलता हूं। नूह अलैहिस्सलाम जब उसके घर के ऊपर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद आप देख करके दंग रह गए, क्या देखते हैं कि वो औरत खुदा की इबादत कर रही है, खुदा की बारगाह में अपने सरों को झुकाए हुए है, अल्लाह की हमद बयान कर रही है, नमाजें पढ़ रही है। जब सलाम फेरती है, सलाम फेरने के बाद नूह अलैहिस्सलाम को देख करके कहती है, अरे अल्लाह के नबी क्या अजाब आने वाला है, अरे अल्लाह के नबी क्या अजाब आने वाला है, क्या कश्ती बनकर के तैयार हो चुकी है। तो नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, बूढ़ी भी सुनो सुनो, अरे खुदा का कहर आया, आने के बाद खत्म भी हो गया है, तुझे खबर नहीं हुई है, तू कैसे बच गई, तू कैसे बच गई, तेरी जान कैसे बच गई है। तो औरत कहती है, अरे नूह अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, खुदा की कसम कह करके मैं कहती हूँ, मैं अभी आपसे वादा करके आई हूँ और अभी मैंने तो रकात नमाज भी मुकम्मल नहीं की है कि आप तशरीफ लेकर के आ गए हैं। अब इस वाक्य को इमाम ज़ैन अब्दीन बयान करते हैं, अरे लोगों सुनो सुनो, जब नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत से वादा किया था और नूह अलैहिस्सलाम के वादे की वजह से अल्लाह ने उस औरत को कहरे खुदा से बचा लिया, यानी अपने कहर से बचा लिया और वक्त को कम कर दिया है। इसी तरीके से जो दुनिया पर रह करके मेरे नाना से मोहब्बत करने वाले होंगे, जो मेरे नाना से प्यार करने वाले होंगे, जो रसूल हाशमी का कलमा पढ़ने वाले होंगे, बारूद कयामत का जो 50,000 साल का दिन होगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा, किसी का दिन नहीं गुजर रहा होगा, लेकिन जो दुनिया पर रह करके मेरे नाना से मोहब्बत करते होंगे, उनके लिए आखिरत का दिन इस तरीके से गुजर जाएगा जैसे कि अभी फलक छपकी थी और झलक करके खुली है। जितना टाइम लगा करता है, इतना टाइम परवरदिगारी आलम 50,000 साल के दिन में लगा दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना आरिफ साहब किबला, मौलाना आरिफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए, मोहब्बत का सिला मिलेगा, मोहब्बत करेगा उसी को वहाँ के ऊपर मिलेगा, और जो जितना रसूल से दुनिया पे प्यार करेगा उसको परेशानी भी उतनी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो हक वाले होते हैं वो परेशानी को झेला करते हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान लिया करता है। कुरान मजीद के अंदर भी रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, आप बारहा सुनते रहते होंगे, वला तकूलु लिमन यक्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशुरून वला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जुई वन्नक्स। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, कभी डर से आजमाऊंगा, कभी माल की कमी से आजमाऊंगा, कभी फलों की कमी से आजमाऊंगा। खुदा कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, कभी जान की कमी से, यानी तुम्हें जान भी देनी पड़ जाएगी, तुम आजमाइश में कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारा यह मकाम बुलंद कर दिया जाएगा, जाएगा कभी तुम्हारी फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, कभी तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सब्र करने वाला होगा उसके लिए कामयाबी और कामरानी होती रहेगी। अब अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कभी मैं तुम्हें फलों की कमी से आजमाऊंगा। अब फल से मुराद मुफस्सरीन हजरात बयान फरमाते हैं इस जगह के ऊपर, जो फल से मुराद यहाँ के ऊपर आई हुई है वह मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने 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 बंदों को औलाद दिया करता है,
जिनकी औलादें बचपन में इंतकाल कर जाया करते हैं, औलाद फिर दिल का फल हुआ करते हैं। जब किसी की औलाद गुजर जाती है उससे पूछिए उसके दिल का हाल क्या हुआ करता है, उससे जाकर के मालूम कीजिए कि उसका दिल क्या कह रहा है, उससे जाकर के खबर कीजिए कि उसका दिल कितना टूटा हुआ है, उसका दिल कितना खमजदा है, उसका दिल कितना परेशान है। अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हें फलों की कमी से आजमाऊंगा, यानी तुम्हारी औलादें जो बचपन में इंतकाल कर जाएंगे इससे तुम्हें दुख तो जरूर होगा लेकिन मैं तुम्हें आजमा रहा हूंगा। वहां के ऊपर अपनी जबान से कुफरी अल्फाज मत निकाल देना, तुमको इम्तिहान में कामयाब होकर के आना। अब रसूल पाक के इरशाद फरमाते हैं जिसके बच्चे का इंतकाल हो जाता है, जब उसकी रूह को अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते लेकर के पहुंचते हैं, आका की हदीस पाक है, रसूल इरशाद फरमाते हैं जब फरिश्ते लेकर के पहुंचते हैं परवरदिगारी आलम इरशाद फरमाता है ऐ फरिश्तों कहां से आ रहे हो, फरिश्ते आज करते देखिए खुदा सब कुछ जानता है लेकिन फरिश्तों को गवाह बना रहा है। रब फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो, फरिश्ते कहते मौला तूने हुक्म फरमाया था कि फला की रूह निकाल ली है, उसकी रूह लेकर के आपकी बारगाह में हासिल हुआ हूं। रब इरशाद फरमाता है जब तुमने मेरे बंदे के फल को तोड़ा था, यानी कि उसके बच्चे की रूह को निकाला था, उस वक्त मेरा बंदा क्या कह रहा था, उस वक्त मेरा बंदा क्या पुकार रहा था, तो फरिश्ते आज कहते हैं मौला उस वक्त ये बंदे ने कहा था इन्ना लिल्लाही वा इन्ना इलैहि राजिऊ, हम खुदा की बा हम जो है उसी की दी हुई चीज है और हमें खुदा ही की तरफ फिरना है, तेरे बंदे ने ये कलमात कहे थे। रसूल इरशाद फरमाते हैं जब फरिश्ते इतना कहते हैं मौला तेरा बंदा तेरी हमद बयान कर रहा था, तेरा शुक्र अदा कर रहा था, तेरी तारीफ बयान कर रहा था, तेरा कलाम पढ़ रहा था, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि आए मेरे फरिश्ते सुनो सुनो, जब तुमने मेरे बंदे के बच्चे के दिल को यानी जब तुमने मेरे बंदे के बच्चे की रूह को निकाला था उस वक्त मेरा बंदा मेरी हमद बयान कर रहा था, मेरा शुक्र अदा कर रहा था, मेरा कलाम पढ़ रहा था, मैं अपने बंदे से खुश हो गया हूँ। आए मेरे फरिश्ते जाओ जन्नत में चले जाओ और जन्नत में एक नया मकान तैयार कर लो, कर दो जा करके, और उसके ईंटें होनी चाहिए सोने चांदी की, उसमें हीरे जवाहरात सजे होने चाहिए, और जब घर बन करके तैयार हो जाए उस घर का नाम बैतुल हमद रख दो, और जब बैतुल हमद रख दो जब मेरा बंदा आखिरत में मुझसे मुलाकात करेगा आकर के, और मेरा बंदा जब मुझसे मुलाकात करेगा आकर के तो मैं उसको ऐसा अपने बारगाह में हाजिर करूंगा कि मैं उसे गुनाहों से पाक कर चुका होऊंगा, और जब वो मेरी बारगाह में आएगा तो दुनिया पर जब उसके बच्चे का इंतकाल हुआ था उसने मेरी हमद बयान की थी, अब मेरी बारगाह में आ रहा है, मेरे पास में आ रहा है, मेरा भी फर्ज बनता है। अरे फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं अपने बंदे को वो बैतुल हमद का मकान दे करके, वो जगह दे करके, वो मकान दे करके, वो इनाम दे करके मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, मैं अपने बंदे को वो बैतुल हमद का मकान भी अता फरमा दूंगा, बैतुल हमद का मकान दे दूंगा। लेकिन अल्लाह यहाँ पे आपको गौर करने की बात है, अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा, और अल्लाह आजमाइश भी बहुत लिया करता है, हर एक इंसान को आजमाइश से गुजरना होता है, जो दीन इस्लाम पर हुआ करता है उसको आजमाइशों से गुजरना जरूर हुआ करता है। आपने एक वाकया बड़े ही अंदाज में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि एक यहाँ की दुनिया के ऊपर एक ऐसा गिरोह गुजरा हुआ है, असहाबुल उखदूद का जमाना था, यानी कि वो कौन है, कहां से आए, किस तरीके से थे, इसमें मुफस्सरीन हजरात का कोई भी कौल नहीं है, यानी कि वो बयान करते हैं कि उनका पता नहीं कौन है, लेकिन उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, इसमें पारे के अंदर रब्बे कायनात ने उनके नाम से एक सूरत नाज़िल फरमा दी है। असहाबुल उखदूद का बयान फरमाते हैं मुफस्सरीन हजरात, बयान करते हैं एक लोगों सुनो सुनो, जब एक उस जमाने में एक बादशाह रहा करता था बहुत बड़ा।